गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी ओ टी एस अड्डा चैनल तो ये आपका अपना चैनल और यहाँ पे हम जो क्लासेस करते हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड साइंस के इंस्टिक्यूज करंट अफेयर्स और स्ट्रैटिक जी के से रिलेटेड कुछ पार्ट्स में आपको कराने लगती हूँ यहाँ पे पूरे दिन में शॉर्ट वीडियोज़ भी आपकी आएंगी जैसे एक शॉर्ट वीडियो आपका आज सुबह अपडेट हो गया स्कैंडवियन कंट्रीज़ का नॉर्डिक कंट्रीज का बाल्टिक सी कंट्रीज का और बाल्टिक कंट्रीज़ का डिफरेंस किया है ये एक वीडियोज जो है ना वो आपकी अपडेटेड हो गई है यहाँ पे तो एक बार ये पूरा पार्ट जो है ना वो आपका ओपन करके अच्छे से जो भी क्लासेस हैं उनको देख लीजिए एक बार वो वीडियोस देख लीजिएगा आपको इन सारे चारों कंट्रीज में जो डिफरेंस है ना वो क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगा तो ये आपकी 6 पीएम की क्लास साइंस के एम सी क्यूज की जो हम बहुत टाइम से लेके आ रहे हैं यानी कि ये पर्टिकुलर इसी टाइम पे इसी तरीके की एम सी क्यू क्लास में पिछले पूरे डेढ़ से डेढ़ साल के आसपास हो गया ये हम कर रहे हैं काफी सारे बच्चे जो है वो शुरू से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन के साथ शुरू कर ठीक है उसके अलावा ओटीएस अड्डा ऐप आप, आप ज्वाइन कर लीजिए अब आप बोलेंगे क्यों ज्वाइन करवा रहे हो हमें नहीं करना है एक और ऐप ज्वाइन और ये तो मैं आपको बता दूं आप उसको ना एटलीस्ट ऐप के लिए ज्वाइन कर लो आपके यहाँ पे इस ऐप पे जितनी भी पीडीएफ है या इस इधर में जितनी भी मैं क्लासेस लेती हूँ उन सब की पीडीएफ आपकी ओटीएस अड्डा ऐप पे चली जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ में करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं अपडेट या नोटिफिकेशन वाली चीजें वो आपके टेलीग्राम पे आ जाएगी और ऐप के ऊपर आपकी सारी पीडीएफ आ जाएंगी ऐप बहुत ही लो डाटा की है तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत ही लोड डाटा की है आराम से आप फिर उस पर ना अगर चाहो तो आप उसमें टेस्ट भी दे सकते हो कई सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपके अपडेटेड है डेली प्रैक्टिस क्विज़ेज़ होते हैं उसमें जीके का मैथ्स का और रीजनिंग का वो आप दे सकते हो यहाँ पे आपके एन का सीबीटी टू का टेस्ट आपका नाइन मे को है अच्छा एक चीज और सात मई से अभी अपना एक टेस्ट भी अपडेट है यानी कि आज सुबह दस बजे से एक लाइव टेस्ट चल रहा है उसको ना जरूर से आप जो है ना वो अपडेटेड कर दीजिए ठीक है चलिए अब यहाँ पे सी एच एस एल का मॉक टेस्ट जो है ना वो आपको अपडेट कर लेना सी एच एस एल का जो पेपर है उसके रिस्पेक्ट में फोर्टी मॉक टेस्ट और साथ में ट्वेंटी जो मेमोरी टेस्ट अभी देखो अब आएगी एक बार आवाज ठीक है अब आएगी अब आएगी तो आपका ना दस बजे तक आप टेस्ट दे दो और ग्यारह जो है ना वो आपकी एक जीके की क्लास है मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी अभी आपको लिए बना दूंगी तो आप समझ जाएंगे टेस्ट नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन बताइए इन ह्यूमन बींग्स सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन इन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इज रिस्पेक्टिवली मनुष्यों में प्रेरित और समाप्त समाप्त नहीं होता है एक्सपायर्ड मतलब आपकी देखिए सीधा इनहेलेशन और एक्सलेशन की बात हो रही है आप जब आप सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं लेने वाली सांस में सीओ की मात्रा कितनी होती है और जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें सीओ टू की मात्रा कितनी होती है अभी एक दो दिन पहले ना इससे रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या हम पूरी जो हमारी देखिए जब हमारी एयर जो है ना उसको हम इनहेल करते हैं ध्यान से सुनना हमारी एयर को हम इनहेल करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो आइडियली हम कर क्या रहे होते हैं हम हवा को इनहेल कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता है कि सहवाग के अंदर अठहत्तर परसेंट तो आपके पास क्या है नाइट्रोजन है जब आपके पास अठहत्तर परसेंट नाइट्रोजन है इक्कीस परसेंट जो है वो ऑक्सीजन है तब आप इनहेल कर रहे हो तो इसका मतलब एयर को आप एज एन मिक्सर जो है वो इनहेल कर रहे हो तो सेवेंटी जो है वो नाइट्रोजन गया 21 परसेंट जो है वो ऑक्सीजन गया साथ में आपके वातावरण में जितना भी धूल धक्कड़ मिट्टी पोल्यूशन गंदगी ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी आपके बॉडी में गई लंग्स में ना पूरी एयर जाती है यानी कि जब आप फेफड़ों में लेके जाते हो तो आपके फेफड़ों में पूरा एयर का कॉम्पोजिशन जाता है जो आप एयर का कॉम्पोजिशन बढ़ते हो लेकिन जैसे ही आपके फेफड़ों से वो वन लेयर जो एक सिंगल लेयर एकल झिल्ली जिसे कहते हैं वहां से जब हवा दूसरी ब्लड वेसल्स में जाती है तब सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो कैरी की जाती है यानी कि ट्वेंटी वन परसेंट जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी कैरी की जाएगी अब ये क्यों कैरी की जाएगी क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन का जो लगाव है ना वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए कल को आप सोचो कि नाइट्रोजन को क्यों नहीं हमारे हीमोग्लोबिन ले रहे हैं तो, तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ना आपकी हीमोग्लोबिन की आपकी, आपकी एफिनिटी जो है वो कभी भी नाइट्रोजन के लिए नहीं होती है आपके हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो नाइट्रोजन के लिए नहीं है हीमोग्लोबिन प्यार करता है तो बस तीन लोगों को ऑक्सीजन को CO2 टू को और CO को कार्बन मोनोऑक्साइड को जिसमें से सबसे ज्यादा प्यार वो उस कार्बन मोनोक्साइड को करता है उससे थोड़ा कम CO2 टू को करता है और सबसे कम प्यार करता है वो ऑक्सीजन को जो कि हमारे लिए सबसे जरूरी है तो अगर हमारे वातावरण में जरा भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो हमारे हीमोग्लोबिन फटाफट उसको ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं अब अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 टू की कॉन्सेंट्रेशन जब आपने इनहेल किया तब कितनी है एक्सेल किया तब कितना है तो जब हम इनहेल करते हैं ना तो मात्रा सी टू की क्या होती है बहुत ही कम होती है ठीक है सी टू की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है और जब हम एक्सेल करते हैं तो सीओ टू की मात्रा अच्छी खासी होती है आप लोग डी वाला ऑप्शन जो है वो ढंग से लर्न कर लीजिए और यही आपको आंसर भी देना है जब हम आइडियली जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारी CO2 की मात्रा जो है वो जीरो पॉइंट जीरो थ्री होती है और जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो हम CO2 जो है वो बॉडी से निकालते हैं इसलिए फोर पॉइंट जीरो परसेंट करके यहाँ पे आपका आइडिया आइडिया आएगा देखो पहली बात ये कि अगर आप CBT टू के लिए साइंस का मैराथन बोल रहे हो तो आप अनवॉन्टेड टेंशन ले रहे हो क्योंकि सी टू

एक मॉडल टेस्ट पेपर करा दूंगी जो कि 11 बजे है 11 बजे कल आप मेरे साथ एक एन सीबीटी 2 का मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो करने वाले हो जो कि आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बोलूंगी कि शायद आपको उनमें से कुछ तो कुछ परसों के पेपर में पूछा जा सकता है ठीक है इतना याद रख लीजिए आप एक बार ना दोबारा से डाउनलोड करो ठीक है दो से पांच नहीं आएंगे क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे भाई आपके एन में सात आठ से लेकर दस से बारह की कैपिंग होती है साइंस की तो सात आठ क्वेश्चन मिनिमम दस से बारह मैक्सिमम आते हैं तो so, उसके लिए आप साइंस नहीं पूरा पढ़िए ग्रुप डी की साइंस के लिए तो आपकी मैरेथन क्लासेस हो जाएंगी सीबीटी टू के लिए कल एक ग्यारह बजे मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर करा रही हूँ जिसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगी इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर मनुष्य में दाएं और बाएं फेफड़ों में जो पालियां होती है ना वो कितनी होती है मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है प्रदीप एक बार ना आप उसको हटा दो ऐप को या उसमें से लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो और फिर टेस्ट दो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वैसे ऐप में मैं आज कई सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं कॉपी पेस्ट मत करो इस चीज को ठीक है आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो पढ़ ली है और मैंने आपका जो मैसेज है ना वो आगे टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड भी कर दिया है तो आप बस थोड़ा सा ना वेट करो पे 3 टू लिख लें राइट और लेफ्ट की बात हो रही है है ना राइट और लेफ्ट की बात हो रही है तो हमारा राइट साइड का जो लंग होता है ना उसमें तीन होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं और हमारे लेफ्ट साइड के लंग में जो है वो आपके दो पार्ट्स होते हैं ठीक है तीन और दो करके ऐसे करके लर्न करो अब आप ये बोलोगे कि भाई लेफ्ट में दो की होते हैं राइट में तीन क्यों होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड वाले हमारे हिस्से में ना हमारे पास यहाँ पे एक दिल ही तो है है ना दिल भी तो है उसको भी तो रखना है ना तो आपका ये हो गया राइट साइड का हार्ट ये हो गया लेफ्ट साइड का हार्ट मतलब ये राइट साइड का सॉरी लंग ये लेफ्ट साइड का लंग हो गया बीच में यहाँ पे ना हार्ट के लिए जगह होती है जो कि आपका लेफ्ट और राइट पार्ट में उसको डिवाइड करता है तो आपको राइट एंड लेफ्ट पूछा है तो थ्री एंड टू करके आपको डिफाइन करना है ठीक है राइट एंड लेफ्ट तो वन टू थ्री सुपीरियर मिडल और इनफीरियर और यहाँ पे आपके पास सिर्फ सुपीरियर और इनफीरियर समझ रहे हैं पूरा चीज आपके लंग्स जो हैं उसमें राइट right साइड के लंग में आपके पास तीन खांचे होते हैं और लेफ्ट साइड के लंग में आपके पास दो खांचे होते हैं लेफ्ट साइड का लंग जो होता है वो थोड़ा सा हॉट होता, तो तो होता है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का लंग जो है वो आपका हो जाएगा अः कम रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स ड्यूरिंग इस दौरान पसलियां नीचे और अंदर की ओर चलती हैं इनहलेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन एक्सलेशन आज आप बताओ आपको अगर जो है कुछ पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है आप ये बताइए कि अगर आपको ऐसा कुछ भी पार्ट है जीके में जो आपको लगता है कि कल के लिए ना आप हमें ये पार्ट करा दो तो मुझे बता दो मैं आज करा दूंगी अगर शाम को आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो कल 11 बजे करा दूंगी एक घंटे डेढ़ घंटे का एक टेस्ट सीरीज जो है वो मैं आपको रिवाइज़ करा दूंगी उसके अलावा बताओ आपको कुछ ऐसा कर, करना है तो बता दो मैं मैं करा दूंगी आज मुझे लगा कि आज एटलीस्ट आप अपनी रिवीजन कर लो पूरी अच्छे से मैं सुबह एक आज पूरा रात आप अपना बैठ के जीके वगैरह का जितने भी सेशंस मैंने आपको देखे मैंने कम से कम आपको दस हजार से ज्यादा जीके के क्वेश्चन कराए हैं पिछले एक डेढ़ साल में दस हजार तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है लेटेस्ट वाले जितने हैं वो रिवाइज कर लीजिए आप लोग कल एक मॉडल टेस्ट पेपर करा के मैं आपको चीजें समझा दूंगी तो आपके बहुत ज्यादा वो मदद भी करेगी ठीक है आज करना है आपको ऐसे कुछ है तो आज आप अब आप तो मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सात बजे के बाद थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मॉडल टेस्ट पेपर के लिए द रिब्स मूव्स फॉरवर्ड एंड रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड्स नीचे और अंदर की ओर खींचती हैं इनहलेशन में डाइजेशन में एक्सक्रीशन में या एक्सहेलेशन में ये बताइए अगर हम ना ये पूछे आपसे कि जो आपकी uh, जो रिब्स हैं है ना पसलियां जो हैं वो पसलियां जो हैं नीचे की ओर और, और अंदर की तरफ जो है वो खिंचती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं डी करके याद रखिए एक्सहेलेशन बोलते हैं सांस छोड़ना अगर आउटवर्ड लिखा होता है तो इनहलेशन लिखते देखिए यहाँ पे इनवर्ड लिखा हुआ है अंदर लिखा हुआ है यहीं पे अगर बाहर लिखा होता और आउटवर्ड लिखा होता ना आउटवर्ड तब आंसर आप लोगों के लिए इनहलेशन यानी कि सांस लेना ठीक होता जब भी हम इनवर्ड या एक्सलेशन की बात करते हैं तो हमारी डाउन और इनवर्ड्स होती हैं पसलियां तो एक्सलेशन करके याद रखो ये देखो ये वाला है ना जब आप सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो तो आपकी दोनों कंडीशन अलग है जब इनवर्ड्स जा रही है तो आप एक्सेल कर रहे हो जब आउटवर्ड जा रही है तो आप इनहेल कर रहे हो तो हमारा डाइफ्रेगम और हमारी रिब्स दो चीजें याद रखनी है आपको आपको एक तो रिब्स याद रखनी है पसलियां याद रखनी है कितनी पसलियां होती हैं जरा कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके पास टोटल कितनी पसलियां होती हैं और दूसरा चीज आपका जो डाई है वो इलास्टिक कार्ट्रेज इलास्टिक कार्ट्रे इलास्टिक कार्टिलेज रिंग बोला जाता है जो आपके सांस लेने से और सांस छोड़ने से जो अपना साइज है उसको डिक्रीज या इनक्रीज करता है रिब्स का नंबर कितना होता है बताइए रिब्स का नंबर कितना होता है अगर कॉपी पेस्ट किया ना फिर तो मतलब पढ़ना नहीं है क्या कि धनिया पुदीना यहीं पे बेचना है अपना और फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट अगर तुम स्टूडेंट ही होते ना तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे स्टूडेंट को सबको पता है कि मैं क्या जॉब करती हूँ और क्या करती हूँ है ना और अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो तो प्लीज करके ना बाकी बच्चों को परेशान मत करो धनिया पुदीना बेचने के लिए बहुत सारे चैनल बहुत सारी जगह है अब यही अपना जो है वो आपको अपना मतलब देखो जरा ये कहते हैं ना जैसी सोच जैसा विचार वैसा आचार है ना तो जैसा सोच रहे हैं वही करना है। आगे धनिया पुदीना अगर बेचना ही है तो इस क्लास में आने की जरूरत नहीं है और वे देख बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया भाई जैसे बोलते हैं ना कैसे बेचना है धनिया पुदीना सब पता है अगले को तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है ना चलिए बताइए अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज कॉन्स टू अस्थमा जो है वो एक श्वसन रोग है जो किसके कारण होता है हाँ जी एग्जैक्टली exactly. अगर डाई जो है वो आपका चिपक जाता है डाईफ्रेगम अगर चिपक जाता है पेट के साथ तो हिच की जाती है इसीलिए बोलते हैं कि जोर से ना आपको सांस लेनी है रिब्स की मैं आपको बता दूं रिब्स जो है वो आपकी टोटल बारह होती हैं जिनको हम सात और पांच में डिवाइड करते हैं सात आपकी ट्रू रिब्स होती हैं पांच आपकी फॉल्स रिब्स जो है वो बोली जाती हैं जिसमें से आपकी दो जो है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ठीक है थीके? ऐसे करके याद रखिए बस अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज बाय अस्थमा एक श्वसन रोग होता है किस चीज के कारण होता है बताइए मतलब कुछ भी पढ़ लो पहले उसके बाद पूछो ना आगे लास्ट में आप पूछा करो जो आपको पूछना है लास्ट में पूछा करो बिल्कुल ये तो नहीं कि क्लास थोड़ी शेयर कर दें थोड़ा अपने फ्रेंड्स को बता दें थोड़ी सी पढ़ाई कर लें है ना थोड़ा सा हेल्प कर दें व थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर ढंग से दे नहीं वो कुछ नहीं है बस तो बस जो है ना बस कॉपी पेस्ट करवा लो ब्रोंकिअल्स मसल लिख ले इन ब्रोंकियल मसल्स तो जो ब्रोंकियल मसल होती है ना उनमें एथन हो जाती है इसकी वजह से आपका जो अस्थमा जो है ना ये आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है अस्थमा अगर सीवियर सिचुएशन में होता है तो आपको पाइप इनहेलिंग जो पाइप है ना वो यूज करना पड़ता है ठीक है इनहेलिंग पाइप जो है वो आपकी गैसेज होल्ड करता है जिसकी वजह से या उसमें एक प्रेशर होता है ओ तो ऑक्सीजन तो जो है वो फेल होती है जिसकी वजह से हमारा जो स्पेजम जो है ना या फिर ब्रोंकियल मसल्स जो होती हैं वो खुल जाती हैं तो मसल्स में एठन जो है ना वो आपकी अस्थमा कॉज करता है ठीक है अस्थमा कॉज करता है याद रखेंगे हाँ जी क्लोरीन गैस भरी जाती है उसमें आपकी जो इनहेलेशन होती है ना उसमें क्लोरीन गैस का जो फॉर्मूला है वो आपका अपडेट किया नहीं नहीं इन्फेक्शन ऑफ लंग्स मतलब इन्फेक्शन लंग्स तो आप में कैसे भी हो सकता है अब निमोनिया है निमोनिया में निमोनिया भी इन्फेक्शन एन इन लंग्स ही है न वायरल कोई एंटर कर गया है या आप ये बताइए माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबो क्लॉसेज भर गया जैसे टीवी होता है तो वो भी तो आपका इन्फेक्शन ऑफ लंग्स ही है तो हर सिचुएशन में अस्थमा नहीं होता है जब ब्रोंकियल मसल्स में हो जाता है या जैसे ये मसल्स जो है ना इनकी इन ये मसल्स अपने आप को प्रॉपरली ओपन या क्लोज नहीं कर पाती है ना तब हम उसको बोलते हैं कि स्पेजम अब आप याद रखिएगा स्पेजम इन ब्रोंकियल मसल्स ठीक है स्पेजम इन ब्रोंकियल मसल अस्थमा होता है थर्मोस्टेट इज अ डिविजन मतलब डिवाइस थर्मोस्टेट किसके लिए एक उपकरण है अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस फॉर थर्मोस्टेट किस चीज का डिवीजन है मतलब थर्मोस्टेट ये ज्यादा ब्राइटनेस हो रहा है कि ज्यादा दुनिया रंगीन हो गई क्या ज्यादा रंगीनियत भी नीचे ना अपनी दुनिया में है ना दिख रहे हैं ना आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना पता नहीं कैसी हो जाता है इसमें थर्मोस्टेट इज इस अ डिवाइस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या फिर ये क्या कर रहा है मेजर कर रहा है टेम्परेचर टेम्परेचर को थर्मोस्टेट याद रखिए देखिए स्टैट मतलब स्टैटिस्टिक के हिसाब से है ना तो यहाँ पे आपको मेंटेनिंग नहीं रेगुलेटिंग करके लिखा करो तापमान को रेगुलेट करना यानी कि नियंत्रित करना विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ यूज़ टू मेजर दी हीट रेडिएशन निम्न में से किसका उपयोग ऊष्मा विकरण को नापने के लिए किया जाता है हीट रेडिएशन ऊष्मा विकरण को नापने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करते हैं ऊष्मा विकरण को किस चीज के लिए ना हीट रेडिएशन जो है ना अगर उसको हमें नापना है तो किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है बैरोमीटर से स्टार्ट करते हैं बैरोमीटर आपको पता ही है किसके लिए होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वातावरण में आपके पास कितना प्रेशर है उस चीज को नापने के लिए हम बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं फैटोमीटर डेप्थ के लिए होता है भाई वो किसी भी समुद्र की गहराई को नापने के लिए हालांकि समुद्र की गहराई नापना पॉसिबल नहीं है एक आपके पास एस्टिमेट नंबर ही आता है लेकिन फिर भी हम नाप ही लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं बैरोग्राफ जो है ये क्या होता है एटमोसिक एटमोसफेरिक प्रेशर छल कूद कितना कर रहा है उससे रिलेटेड जो ग्राफ बनता है ना उसको आप बेरोग्राफ के नाम से जानते हो इट रिकॉर्डेड दरिक प्रेशर फ्लक्चुएशन ठीक है और बोलोमीटर करके याद रखें बोलोमीटर जो है वो हीट रेडिएशन को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विच गैस अमंग दी फॉलोइंग द मैक्सिमम रेडिएशन इन अर्थ एटमोसफेयर निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतम विकिरण को अवशोषित करती है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतम विकरण को अवशोषित करती है सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी गैस है जो मैक्सिमम रेडिएशन्स लेके आती है जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना वो इसी गैस की वजह से होती है अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण जो है वो यही गैस है क्योंकि ये बहुत सारी हीट रेडिएशन्स को या रेडिएशन्स को एब्जॉर्ब करती है जिसकी वजह से अर्थ के एटमोसफेयर में गर्मी आ जाती है ओजोन लिखे क्या नहीं ओजोन तो कैसे लिखेंगे ओजोन किस लिए होती है ओजोन आपके यूवी रेडिएशन को वापस करने के लिए होती है वो कुछ और एब्जॉर्ब नहीं कर रही है कुछ भी अपशोषित नहीं कर रहे है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड करके याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है एन टू ओ सी एफ सी मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा जो गैसेस आपकी या सबसे ज्यादा जो गैस आपकी एयर के अंदर मौजूद है और वो कर क्या रही है कि एब्जॉर्ब कर रही है बहुत ज्यादा किसको हीट को तो वो आपकी सीओ टू है कार्बन डाइऑक्साइड सिट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर्ड एज रिच सोर्स सिट्रस फ्रूट का मतलब क्या होता है खट्टे फ्रूट मैं फटाफट -पड़ करा दू आपको कोई दिक्कत नहीं है जहां पर एक्सप्लेनेशन वाला होगा एक्सप्लेनेशन कर देंगे लेकिन फटाफट -पड़ इसको एक्सप्लेन करते हैं सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट खट्टा अगर कोई भी चीज होगा तो वो एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से होगा किसकी वजह से एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत जो है ना वो आपका विटामिन सी बोला जाता है विटामिन सी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी जो है ना ये मसूड़ों की सूजन के लिए यानी कि जिम्मेदार होता है इसकी कमी अगर हो जाती है तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है मसूड़ों से खून निकलने लगता है पायरिया जो होता है वो विटामिन सी की कमी की वजह से ही होता है विटामिन बी जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये ज़्यादातर हमारे स्किन और ब्लड के लिए ज़रूरी है विटामिन डी हमारा कोलो और आर्गो कैलसी के लिए होता है जहां पे हड्डियाँ जो, जो है वो कमजोर हो जाती हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी जो है वो मैक्सिमम आपके बहुत सारे फ्रूट्स में भी है लेकिन जो सनलाइट होती है ना सूरज की जो रोशनी होती है वो विटामिन डी को कन्वर्ट करने का विटामिन डी जो है Uh, सूरज की रोशनी से कन्वर्ट हो जाता है बढ़िया तरीके से ठीक है और विटामिन ए सारे के सारे हमारे जो पीले फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है और आजकल आपके पीले फ्रूट्स के नाम पे कद्दू जो है वो भर भर के आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कद्दू खाइए आपका जो विटामिन ए है कंप्लीट हो जाएगा विटामिन ए आंखों के लिए विटामिन डी हड्डी के लिए विटामिन बी स्किन और uh, ब्लड के लिए और विटामिन सी जो है वो स्किन और हमारे दांतों के लिए तो ये पूरा चार्ट में आपको लिख के दूंगी आप याद करिएगा विटामिन व्हाट कॉज वेरी 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 करके याद रखिए अगर हमारे बॉडी के अंदर अच्छा ये बताइए चलिए आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन और बताइए वेरी वेरी जो बीमारी है ना ये किसके कारण होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये बी वन की डेफिशिएंसी से होती है अब इसको काट दीजिए अब आप मुझे बताइए एक्सेस या डेफिशिएंसी क्या लिखोगे आंसर एक्सेस लिखोगे या डेफिशिएंसी विटामिन हमारे शरीर को ना ट्रेस मात्रा में चाहिए होती है ठीक है ट्रेस मतलब बहुत ही कम मात्रा में अगर आप उस मात्रा से ज़्यादा विटामिन दोगे तो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी जिसको आप बोलते हो विषाक्तता क्या बोलते हो विषाक्तता और आप कम मात्रा में दोगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी और विटामिन बी करके याद रखना है डेफिशिएंसी की वजह से कमी की वजह से होती है ना कि ज्यादा से ठीक है कद्दू मतलब सीताफल ठीक है डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी कमी के कारण हालांकि कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो ज़्यादा के कारण भी होती हैं द ट्रिपलेट वायरल वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टू द इन्फेक्ट इन्फेंट्स बच्चों के लिए हालांकि अब आपकी पेंटावेलेंट आ चुकी है ये मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि ट्रिपलेट की जगह पेंटावेलेंट वैक्सीन भी है बट टिल देन आप ये बता दीजिए कि तीन वैक्सीन ट्रिपलेट वैक्सीन होती है एक वैक्सीन होती है और तीन बीमारियों का काम करती है कौन सी है यहाँ पे तो आपको क्या लिखना है देखो काली खांसी जिसको हम वूपिंग कफ का नाम देते हैं ठीक है काली खांसी यानी कि वोपिंग कफ एक ये हो गया आपका उसके अलावा डिप्थीरिया और टिटनेस लिख दे हमारी बॉडी के लिए विटामिन सारे फ्रूट्स में आपको शरीर को विटामिन डी मिल जाएगा नहीं ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है लोगों की जहां पे लोगों को ये लगता है कि अगर हम धूप में लेट गए तो हमको विटामिन डी मिल जाएगा नहीं हमारे बॉडी के अंदर ना एक पर्टिकुलर जो है वो एंजाइम होता है तो हम जब धूप में लेटते हैं ना तो वो एंजाइम जो है ना वो हमारे जो स्किन है ना उसमें एक्टिवेट होता है जाके और उस एंजाइम के एक्टिवेट होने की वजह से विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है और काम करता है ये नहीं सोचिएगा कि धूप में लेटे तो विटामिन डी शरीर में अपने आप घुस गया नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है ठीक है अब यहाँ पे जब आपको पूछा जाए कि ट्राइवल एंड किसमें काम करती है तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और ब्यूटन डिप्थीरिया टिटनेस और आपको पर्ट्यूसिस याद रखना है पर्ट्यूसिस काली खांसी बोला जाता है इसको इन शॉर्ट डीपीटी करके आप लर्न कर लो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा क्या डीपीटी करके लर्न कर लो ठीक है डीडीटी नहीं डीपीटी लर्न करना पड़ेगा डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस डीपीटी करके आपको यहाँ पे लर्न करना है ठीक है इबोला जो है वो क्या है इबोला सुना था आपने पूरा नाम जो है वो एबोला होता है कुकर खासी जिसको बोला जाता है ना कुत्ता इसको बोलते हैं वुपिंग कफ करके बोलते हैं ना इसका मैं आपको अलग से बता चुकी हूँ ना एक दो बार हमने विटामिन डी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको एक दो बार कराया है ना विटामिन डी सूरज से आपको विटामिन डी मिलता नहीं है सूरज आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करता है ये याद रखिएगा इसमें आपका सेवन डी हाई एक होता है डिहाइड्रो एक कोलेस्ट्रॉल करके डिफाइन किया जाता है तो वो आपका एक्टिवेट होता है उस चीज से तो ये नहीं कि धूप में लिटा दिए चार पांच घंटे किसी को जबरदस्ती और वहां पे ना मतलब भाई लो इसको विटामिन डी मिल गया ऐसा नहीं होता है ये बोला क्या है वायरस ठीक है ये बोला आपके वायरस के लिए बोला जाता है गैल्वना कम कन्वर्ट इन टू दी वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग इट विद डैश इन पैरल और सीरीज बताइए गैल्वनोमीटर क्या काम करता है अगर किसी सर्किट के अंदर बहुत कम करंट भी होगा जो आपके एम मीटर से नापा नहीं जा पा रहा है, उसको भी नाप सकता है वोल्ट मीटर क्या होता है जो कि आपके सर्किट के अंदर वोल्टेज को मेंटेन करता है या वोल्टेज को नापता है और वोल्टेज आपका डायरेक्टली रिलेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभांतर से इससे आपका रिलेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभांतर से तो गैल्वनोमीटर जो है ना वो आपको अगर कन्वर्ट करना हो वोल्ट मीटर में तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा यहाँ पे या कैसे उसको लेके आओगे आप याद रखो कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज पहली बात आप इसको कभी भी पैरेलल में नहीं लगाओगे ऐसे करके आप इसे सीरीज में लगाओगे आप एक हाई रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगा दो क्योंकि आपको गैल्वनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है आप उसमें करंट जो है वो जाने ही नहीं दो और तो वो चीज़ जो है वो किसमें ये ये आपका गैल्वनोमीटर है ठीक है आपने क्या लगा दिया एक रजिस्टर लगा दिया कैसे लगा दिया सीरीज में लगा दिया और ये रजिस्टर कैसा है हाई रजिस्टर है ठीक है हाई रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अब जो आपका सिर्फ गैलवनोमीटर था उसको जब आपने सीरीज में एक रजिस्टर के साथ लगा दिया तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपके सर्किट में क्या बन गया वोल्ट मीटर अब ये क्या करेगा आपके करंट को नहीं नापेगा लेकिन आपकी जो वोल्टेज है ना उसको नापेगा ठीक है करंट को नहीं नापेगा अब ये किसको नापेगा वोल्टेज को नापेगा ऐसे क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं तो आपके पास पहले सिर्फ गैल्वोनोमीटर है आपको उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा हाई रेजिस्टेंस ताकि करंट जो थोड़ा बहुत फ्लो हो भी रहा था जो नापा भी जा रहा था वो बिल्कुल रुक जाए और सीरीज में लगाने पे आप उसके सर्किट की पूरी जो वोल्टेज है ना वो कैलकुलेट जो है वो कर सको ठीक है वोल्टेज कैलकुलेट कर सको व्हाट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स पाई एंड सिग्मा इन बेंजीन आपके पास पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स बेंजीन में कितने होते हैं ये बता दीजिए ये हमने हाई रेजिस्टेंस देखे आप दोनों समझो पहली बात पैरेलल में लगाने से पैरेलल में लगाने से आप करंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को पैरेलल में लगाते हो जैसे हमारे घर के सारे सर्किट पैरेलल में है तो उनके करेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं है ना अलग अलग करंट जो है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है इसीलिए अगर हमें करंट को रोकना है तो हमको सीरीज में लगाना पड़ेगा पहली बात दूसरी बात जो रेजिस्टर लगाया जाएगा वो हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए ताकि थोड़ा भी करंट जो है वो सर्किट में आपके पास ना हो सके पाई और सिग्मा की बात करनी है बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप बेंजीन रिंग जब बनाते हो तो बेंजीन में आपके जो डबल बॉन्ड्स होंगे और सिंगल बॉन्ड्स जो होंगे उनको नापा जा रहा है ठीक है ट्वेल्व सिग्मा बॉन्ड्स और थ्री जो है वो पाई बॉन्ड्स होते हैं ट्वेल्व सिग्मा बॉन्ड्स हैं थ्री पाई बॉन्ड्स हैं ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और ट्वेल्व तो आपके सिग्मा बॉन्ड हमने किसको बोल दिया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है ठीक है अब कार्बन को अपनी बैलेंसी कंप्लीट करनी है तो डबल बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड को हमने पाई के नाम से बोल दिया तो आप इसमें क्या लिखोगे ट्वेल्व प्लस थ्री लिखोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के हिसाब से लिखोगे ठीक है ये चीज याद रहेगी आपको ये हमने पहले भी एक बार किया था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था थ्री पाई और बाकी के आपके सिग्मा बॉन्ड्स तो थ्री प्लस ट्वेल्व लिखे या ट्वेल्व प्लस थ्री अच्छा कई सारे बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे हैं ट्वेल्व प्लस थ्री के साथ है ना तो आप पहले तो याद रखो सिग्मा और पाई की बॉन्ड की बात हो रही है तीन पाई बॉन्ड्स हैं तीन पाई बॉन्ड्स हैं तीन क्या है पाई बॉन्ड्स हैं तीन पाई बॉन्ड्स का मतलब हो गया तीन आपके पास डबल बॉन्ड है ठीक है और आपके पास बारह जो है वो सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड है ठीक है तो अगर मैं आपसे सिग्मा और पाई का रेशियो पूछ रही हूं तो थ्री इस टू ट्वेल्व का रेशियो हो गया अगर मैं आपसे पाई और सिग्मा का सिग्मा और पाई का रेशियो पूछ रही हूं तो आपके पास ट्वेल्व इस टू थ्री हो गया समझ रहे ना कोई कंफ्यूजन नहीं है क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है कि पाई और सिग्मा का रेशियो बताना है तो आप पाई और सिग्मा के रेशियो के हिसाब से थ्री इस टू ट्वेल्व आंसर देंगे ना थ्री इस टू ट्वेल्व लिख लें यहाँ पे थ्री इज टू ट्वेल्व ठीक है कौन सा ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है ना आपका थ्री इज टू ट्वेल्व वाला कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में पहले मुझे बता दो कोई दिक्कत नहीं है सबको पढ़ना आता है ना सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो जब भी आपसे डबल बॉन्ड पूछा जाएगा तो पाई में देखो नीचे दो ऐसे लाइनें होती है ना आप ऐसे लर्न कर लो पाई में ऐसे दो लाइनें होती हैं तो वो डबल बॉन्ड पूछ रहे हैं सिग्मा में ऊपर एक ही लाइन ऐसे जाती है तो वो सिंगल बॉन्ड पूछ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड और उसके लिए आपको बेंजीन का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए अब हमारी दिक्कत क्या है कि हमको तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता C6, लिख लें यही है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर किसी को कम ज्यादा तो नहीं लग रहा सी सिक्स और एच सिक्स करके लिख लें सी सिक्स एच सिक्स पैरा मैग्नेटिज्म पैरा मैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी है किस चीज की पैरा मैग्नेटिज्म इज दी प्रॉपर्टी ऑफ पैरा मैगनेटिज्म इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ किस चीज का गुण है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला जाता है किस चीज़ के लिए बोला जाता है देखिए पैरा मैग्नेटिज्म फेरो मैग्नेटिज्म एंटी फेरो मैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म ये चार तरीके के आपके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज होती हैं होती हैं हम इनको किस तरीके से जो इनके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अरेंज है ना उसके हिसाब से हम इसको आंसर करते हैं ठीक है जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पैरा मैग्नेटिज्म के लिए तो आप याद रखिए पैरा मैग्नेटिज्म में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की बात करिए पैरा मैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं यानी कि वो युग्मक नहीं होते हैं या पेयर्ड जो है वो नहीं होते हैं ठीक है ये याद बाकी जगह आपके पास एंटी स्पिन होगा यहाँ पे भी एंटी फेरोमैग्नेट में भी सेम कंडीशन है पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक वाली और फेरोमैग्नेटिक में आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं ठीक है ये याद रखिए विच वन ऑफ दी फॉलोइंग रे हैज मिनिमम वेवलेंथ निम्नलिखित में से किस किरण की जो तरंग धैर्य है वो न्यूनतम होती है इसको जानने के लिए या इसका आंसर करने के लिए आपको एक क्वेश्चन इसमें एग्जैक्टली अपोजिटिव पूछा जा सकता है कि अगर किसी की मिनिमम वेवलेंथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी मैक्सिमम ये एक दूसरे के वाइस वर्षा है ये बहुत अच्छे से पता है आपको कि अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रिक्वेंसी मिनिमम होगी ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो चार्ट है उसको उसके लेके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको लेके तो अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन में आपके पास आंसर क्या होगा गामा रेज आप लिखेंगे या आप लिखेंगे कॉस्मिक रेज गामा रेज लिख लें मिनिमम वेवलेंथ आपकी गामा रेज की है लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अगर पूछा जाता तो आप गामा रेज ही आंसर करते उस कंडीशन में भी आपके पास ईएमएस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं यहाँ पे तो वेवलेंथ इंक्रीज इस डायरेक्शन में करती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम इधर में रहती है इन टर्न अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं ना आपसे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ जाती है गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है लेकिन एनर्जी गामा रेस की सबसे ज्यादा होती है तो गामा रेस की एनर्जी क्या है भाई हाइएस्ट है यहाँ पे लेकिन उसकी जो आपकी जो वेव लेंथ है वो कम है रेडियो वेव्स की जो वेव लेंथ है वो सबसे ज्यादा है लेकिन रेडियो वेव में एनर्जी जो है वो क्या है आपकी सबसे कम है इसी तरीके से हम विजिबल लाइट को भी देख लेते हैं विजिबल लाइट लाइन ला नीले से शुरू हो रही है लाल पे खत्म हो रही है लाल की वेव सबसे ज्यादा है लाल की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है नीले की वेवलेंथ जो है वो आपकी सबसे कम है लेकिन नीले की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सबसे ज्यादा होती है यानी कि मैं आपसे पूछू लाल रंग में ज्यादा ऊर्जा है या नीले रंग में ज्यादा ऊर्जा है तो आप क्या आंसर करते हो भाई लाल रंग में ना ज्यादा ऊर्जा है लेकिन आपका जो आंसर है वो गलत होता है लाल रंग में आपके एनर्जी कम होती है नीले रंग में एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है वो कई बार विचलित हो जाता है उसको लगता है वही खुदा है है ना उसके अलावा तो कोई खुदा ही नहीं है वाला डायलॉग है ना कभी कभी अपने को लगता है ही खुदा है यहाँ पे तो यही वाला याद रखिए कि जो ला नीला रंग होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इसी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से नीला रंग जो है वो विचलित हो जाता है स्कैटर्ड हो जाता है एनर्जी मोर वेवलेंथ लेस रेड की एनर्जी लेस वेवलेंथ ज़्यादा समझ गए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक दूसरे के अपोजिट जो है वो आपके होते हैं यानी कि आपकी जो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी मेन कंपोनेंट ऑफ वोटरिंग निम्नलिखित में से कौन मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक होता है ये क्या लर्न कर लियो चलो अच्छी बात है लर्न कर लो कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे लर्न करना है कर लो बस आप याद रखो कि वेवलेंथ कम गामा की होती है गामा कम गामा कम ऐसे करके लर्न कर लो लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना गामा कम वेवलेंथ होता है कम वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी चलो इसको मैं आपको ना ट्रिक से लर्न कराती हूँ ठीक है चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको ट्रिक से लर्न कराती हूँ निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता स्याही जो है ना उसका मुख्य यौगिक होता है तो सिल्वर नाइट्रेट लिखें या सिल्वर क्लोराइड लिखें बताइए जरा नाइट्रेट लिख दें किसी को कोई शंका तो नहीं है सिल्वर नाइट्रेट ही लिखें इसको आप मिटाते रहते हो वो मिटता नहीं है जब तक नाखून ना आगे बढ़ जाए ना वो इंक मिटती नहीं है सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड आपको यहाँ से तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिल्वर आयोडाइड सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट के तो जरा आप याद रखिए जब भी आपसे सिल्वर नाइट्रेट पूछा जा रहा है जैसे इस क्वेश्चन में था नाइट्रेट ये क्या है ए जी एन ओ थ्री ये आपके किस में यूज हो रहा है इंक में यूज हो रहा है वॉटर इंक में यूज हो रहा है जब भी आपसे सिल्वर ब्रोमाइड लिखा जाए सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका ए जी बी आर हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी फिल्म निकलती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा एक और होता है जिसको हम सिल्वर आयोडाइड करके बोलते हैं इसको हम ए जी आई करके लिखते हैं और सिल्वर आयोडाइड जो है ए जी आई ये इस्तेमाल में किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम वर्षा अगर करानी है तो उसके लिए आपका सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल किया जाता है तीनों चीजें जो है याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड तीनों चीजें जो है ना वो आपकी इस्तेमाल की जाती है ठीक है चलिए जरा अगला बताइए डैश अगर इन स्पायरो प्लेनेरिया अगर कभी भी स्पाइरो और प्लेनेरिया को फर्टिलाइजेशन मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करना होगा मैं ये ज्यादा लिखूंगी डैश अकर इन स्पाइरो एंड प्लेनेरिया ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन होना चाहिए डैश अगर इन एंड प्लेनेरिया फॉर द मल्टीप्लिकेशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन अपने आपको या अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अगर आपको यहाँ पे स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया को कुछ तो कुछ करना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे आपके बताइए क्या क्या करेंगे तो प्लेनेरिया क्या करता है भाई तोड़ता है अपने आप को बाइनरी फिजन करता है बडिंग करते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन करता नहीं है बडिंग जो है वो आपका कौन है? आपका करता है बडिंग आपका ईस्ट करता है ठीक है बडिंग आपका ईस्ट करता है बडिंग आपका हाइड्रा करता है बाइनरी फिजन कौन करता है बाइनरी फिजन अमीवा करते हैं बाइनरी फिजन जो है वो बैक्टीरिया करते हैं ठीक है थीके? और फ्रेगमेंटेशन टूटना विखंडन कौन करता है विखंडन आपका प्लानरिया और आपका स्पाइरोगायरा करता है ठीक है प्लानरिया और स्पाइरोगायरा तो प्लेनेरिया और स्पाइरो आपके क्या करते हैं फ्रेगमेंटेशन करते हैं ठीक है तोड़ते हैं ना रीजनरेशन देखो रीजनरेशन उसकी प्रॉपर्टी है रीजनरेशन जो है ना प्लेनेरिया की वो प्रॉपर्टी है लेकिन प्रोसेस जो होगा वो तो अलग है ना प्रॉपर्टी और प्रोसेस को जरा अलग अलग करिए रीजनरेशन इज अ प्रॉपर्टी एंड फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस आपको प्रोसेस पूछा है ना प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन रीजनरेशन तो प्रॉपर्टी है दोनों याद रख दोनों याद रखिए ठीक है। रीजनरेशन इज अ प्रोसेस ऐसे लर्न करो विच ऑफ ग्रुप प्रोड्यूस नेकेड सीड निम्नलिखित में से कौन सा समूह नग्न बीज जो है वो पैदा करता है अब आप लोगों को जीके की क्लास करनी है करनी है सबको जीके की क्लास तो मैं आपका एक कल आपकी ग्यारह बजे एक एन टीपीसी सी बी टी टू का मॉडल टेस्ट पेपर मैं लेके आ रही हूँ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे मॉडल टेस्ट पेपर भी होगा आगे आने वाले बच्चों के लिए भी जरूरी होगा और जरूरी होगा ग्रुप डी के बच्चों के लिए भी तो कल आप मेरे साथ ग्यारह बजे क्लास जो है वो करनी है ठीक है बताइए इनमें से कौन सी चीज नेकेड सीडेड फ्रू सीडेड नग्न बीज पैदा करती है तो आप जिम्नोस्पॉम करके याद रखो जिम्नोस्पॉम में जिम्नो वर्ड का मतलब ही नेकेड होता है ठीक है जिम्नो वर्ड का मतलब ही नेकेड होता है जिम्नोस्पर्म लिख लें कोई दिक्कत नहीं है तो जिम्नो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना उसमें कवर्ड सीड्स होते हैं कवर्ड सीड्स का मतलब क्या है कि भाई जो बीज होंगे ना वो ढके हुए होंगे जो बीज होंगे वो कैसे होंगे आपके ढके हुए होंगे लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें बीज जो है वो आपके खुले हुए होते हैं बस इतना सा चीज याद रखना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है बताइए कोबाइट 60, आयोडीन 131, थर्टी वन आयरन फिफ्टी और एन ए ये बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही एक साथ मैच हो रहा है इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है अच्छा इन्हें जिंदगी भर पढ़ना है वेरी गुड अच्छा टारगेट बनाया जिंदगी भर इन्हें पढ़ना है ठीक है ये भी अच्छी आदत है ये भी अच्छा है बहुत ही बढ़िया बात कुछ लोगों ने अपना टारगेट ही बना लिया है कि पेपर वेपर जाए एक तरफ हमें तो जिंदगी भर पढ़ना है और जो क्लास हम देखते आ रहे हैं ना वो क्लास हम जिंदगी भर देखते जाएंगे ऐसा विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली मैच कोबाल्ट जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए होता है आपके या फिर अच्छा देखो इसको ध्यान से देखो ये सब कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन समझ आ रहा है ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके कैंसर या किसी भी चीज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है ब्लड से आपका हम सोडियम ट्वेंटी फोर को इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक है ट्यूमर जो है उससे हम कोबाल्ट सिक्सटी जो है उसको टेस्ट कर लेते हैं आयोडीन वन थर्टी वन का हम जो गोइटर है वो टेस्ट करते हैं आयरन फिफ्टी नाइन का हम अनिमिया के लिए टेस्ट करते हैं तो इसमें आइडियली आपका आयरन जो है वो करेक्ट आंसर आए। है ठीक है आयरन जो है वो करेक्ट आंसर है चलेंगे समझ रहेगा आयरन अनिमिया को टेस्ट करता है कोबाल्ट जो है वो ट्यूबर को टेस्ट करता है आयोडीन जो है वो ग्वाइटर को टेस्ट करता है सोडियम जो है वो ब्लड को टेस्ट करता है और आयरन जो है वो अनिमिया को बराबर है चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ये आपके सारे जो जो सीक्वेंसेस या जिन जिन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है जैसे फॉस्फोरस जो है ना वो आईटी उम्र के लिए होता है मरकरी किडनी के लिए होता है कार्बन जो है वो रेडियो इम्यूनोलॉजी के लिए होता है और ट्राइटियम जो है वो वाटर के कंटेंट के लिए होता है गोल्ड को इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए ठीक है और कोबाल्ट सिक्सटी को भी इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए साइनाइड पॉइजनिंग कॉजिंग डेथ इन सेकंड साइनाइड जो है ना वो सेकंड्स में आदमी को मार देता है सुना है ना आपने जैसे आपने सुना होगा कि जो टेररिस्ट होते हैं ये लोग क्या करते हैं अपने हाथ में या कहीं पे भी अपने किसी ताबीज जैसे में जैसे मूवीज में भी आप देखो और ये रियालिटी भी है दे कैरी दी साइनाइड विद दम तो जबी भी उनको पकड़ा जाता है ना ताकि उन्हें ज्यादा टॉर्चर या कुछ बोलना ना पड़े तो वो पहली साइनाइड खा के मर जाते हैं सेकेंड्स लगते हैं मूवी भी आपने देखी है तो आप ये बताइए कि साइनाइड जो है ना साइनाइड साइनाइड जो है वो सेकेंड में मार देता है रीजन क्या साइनाइड किल्स इन अ सेकेंड कैसे पढ़ो आप बहुत अच्छी बात है पढ़ो अच्छी बात है मैंने ये थोड़ी बोला है पर मेरी क्लास तो तभी तक देखना जब तक जॉब नहीं लग रहे जिस दिन दिन जॉब लग जाए ना उस दिन पढ़ाई वाली क्लास देख, मत देखना मेरी आप है ना मतलब उसके बाद मैं चाहती नहीं ना आप देखो पढ़ाई करो एग्जाम दो अपने बहुत नहीं आप क्लास करो मैंने तो देखो अपने हिसाब से टाइम दिया ना टेन ते, ए एम पे जो है वो टेस्ट जो चल रहा है लाइव वाला वो कम्प्लीट हो जाएगा उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वो मैं रिजल्ट भी बता सकती हूँ और 11 बजे और वैसे भी मैं कल की क्लास थोड़ी सी एलेबोरेटेड लूंगी लंबी सी लूंगी तो आप कोई और क्लास जो भी देख रहे हो आप आराम से देख के और उसके बाद मेरी क्लास देख लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए इट कॉजेज दी इट ब्रेक्स दी ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो टूट जाती है तो एक्जैक्टली exactly होता क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो रुक जाती है आप इसको ऐसे लर्न करो कि जबी भी साइनाइड शरीर के अंदर जाता है साइनाइड का हम लिखते कैसे पोटेशियम साइनाइड लिखा जाता है के सी एन करके ना फॉर्मूला होता है साइनाइड का तो जैसे ही किसी ने साइनाइड अपनी जीप पे रखा शरीर के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें साइनाइड जो है वो रन किया रश किया वो सीधा सा सीधा हर बॉडी के सेल में जाते हैं जहां पे सेकेंड्स में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या माइटोकॉन्ड्रिया सीधा सी मैं बात करूं ईटीएस जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम जो होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करता है तो एकदम से सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम करना बंद कर देते हैं इसीलिए ना सेकेंड्स में जो डेथ है ना वो हो जाती है आप इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करके याद रखिए और एप्पल के बीज इकट्ठा करने से इतना साइनाइड इकट्ठा नहीं कर पा होगे कि किसी को मार दोगे इसीलिए ये वाला प्लान कैंसिल कर दो और पढ़ाई करो और जॉब करो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एन एक्सेस ग्रोथ ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग निम्नलिखित में से किसी किसकी अत्यधिक वृद्धि से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का संकेत जो है वो मिलता है बताइए अब याद रहेगा ना अब याद रखना है इसको ये ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना जो चेन है ना वो ग्रो कर देता है आपका तो अब सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेट बाय एक्सेस ग्रोथ ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग अब इस क्वेश्चन का जो मुझे आंसर सही से देगा ना मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा ना मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनते हो जो इस क्वेश्चन का आंसर सही से देगा ना मैं समझ जाऊंगी कि वो बच्चा ना मुझे ध्यान से सुनता है और बाकी सारे बच्चे ना मुझे ध्यान से नहीं सुनता है क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो सुमोना पात्रा बस द ओनली चाइल्ड जिन्होंने ना आपको ना मुझे आपने जिन्होंने मुझे आज तक सही से सुना है एस uh, के खोज खोज के थक गया रे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देते एस के द ओनली चाइल्ड जिसने ना आज तक मेरी क्लास ढंग से सुनी है अमित वेरी गुड और uh, सुमोना बिल्कुल ठीक है यहाँ पे बाकी सारे बच्चे बस तुक्का लगाए जा रहे हैं है ना जहाँ पे हमने सल्फर डाईऑक्साइड का जो नंबर है बढ़ता हुआ देख लिया हम आंसर फटाफट पट से लाइकेंस कर देंगे क्यों कर देंगे लाइकेंस भाई क्यों कर देंगे लाइक क्वेश्चन पढ़ो तो सही क्या लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटेड बाय एक्सेसिव ग्रोथ अत्यधिक वृद्धि अगर क्वेश्चन में अत्यधिक वृद्धि सुमोना नाउ आई टेक योर मैसेज सीरियसली जो आपने क्लास के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है ना कि सुबह आपकी करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जीके भी चाहिए नाउ आई टेक इट मोर सीरियसली और शाम की क्लास के लिए भी ठीक है अब आप मेरी बात याद रखो जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन की वजह से किसी एक चीज की अत्यधिक वृद्धि हो रही है वो क्या चीज है तब आप बोलोगे एल्गल ब्लूम अगर सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट आपने बढ़ा दिया तो एल्गल ब्लूम का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये सल्फर की मदद से बढ़ते हैं वर्षा अगर मैंने लिखा होता, इस में नहीं लिखा होता वृद्धि की वजह लिखा होता है और सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन से किस चीज में कमी आई है ना तब आप क्वेश्चन जो है ना वो लाइकेन्स लिखते हैं समझ गए पे मतलब कच्चा बादाम सुन लो पहले तुम है मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनोगे लेकिन रील्स में जो कुछ बोला जाता है ना वो बहुत ही गजब ध्यान से सुनते हो तुम लोग है ना ये ध्यान से सुन लो कवक और शैवाल जब वो एक साथ होते हैं वो तो लाइकेन्स बनाते हैं लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो लाइकेन्स का नंबर है वो घटता है है ना अभी कुछ बोल दो एकदम से रील्स के डायलॉग्स लिख के आ जाते हैं पर मेरी बातें ध्यान से सुननी बिल्कुल द नियर पॉइंट ऑफ अर मेट्रोपिक आई इज वन मीटर वट इज दी पावर ऑफ देंस रिक्वायर टू करेक्ट दिस डिफेक्टर क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना अगर नियर पॉइंट जो है हाइपर मेट्रिक हाइपर मेट्रोपिक आई का एक मीटर है तो लेंस का पावर क्या होगा अगर आपको ठीक करना है हाइपर मेट्रोपिक एयर पोल्यूशन की भी बात है और उसके बाद जो लाइकेस है उनका नंबर बढ़ता नहीं है लाइकेस का नंबर घटता है एल्गल ब्लूम का नंबर जो है वो बढ़ता है घटता नहीं है सल्फर एक चीज के लिए नुकसानदायक है एक चीज के लिए फायदा है जब एल्गल ब्लूम होंगे तो उनको सल्फर अच्छी लगती है ना सल्फर से वो और उगते हैं तो एल्गल ब्लूम उगेगा लेकिन लाइकेन से सल्फर को प्रॉब्लम मतलब लाइकेन्स को सल्फर से प्रॉब्लम होती है तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो एल्गल ब्लूम उस क्षेत्र में जो है वो बढ़ेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने से लाइकेन्स जो है उस क्षेत्र के क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे देखिए पहली बात वन मीटर लिखा हुआ है इसको हम हंड्रेड सेंटीमीटर लिख लें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है फोकल लेंथ लिखना है आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ का फॉर्मूला लगाना है लेंस का फॉर्मूला यही होता है आपका फोकल लेंथ जो है वो आपको निकालनी है जबकि आपकी वी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दी हुई है हंड्रेड दी हुई है और u की जो वैल्यू है पावर ऑफ लेंस जो है वो आप मिनिमम लोगे क्योंकि वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव आप लोगे पच्चीस सेंटीमीटर यहां से आप वन अपॉइंट एफ जो है वो कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री मीटर्स आएगा कितना आएगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री मीटर्स जिसको आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद प्लस थ्री डी लिख दोगे यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया के लिए जो लेंस आप इस्तेमाल करते हो वो कॉन्वेक्स इस्तेमाल करते हो कॉन्वेक्स में कभी माइनस लिखते नहीं है प्लस लिखते हैं इसीलिए आपका प्लस थ्री डी करके आंसर लिखना पड़ेगा द स्ट्रॉगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी शरीर की सबसे मजबूत पे, मांसपेशी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको नियर पॉइंट फार पॉइंट कुछ लिखा हो ना वहां पे सबसे पहले आप याद रख लो कि यू की वैल्यू जो है वो आपको पच्चीस सेंटीमीटर दी हुई है ठीक है लिखा कहीं पे भी नहीं होगा क्वेश्चन में लेकिन जैसे ही नियर पॉइंट जो है वो लिखा रहे कि नियर पॉइंट इज डैश दा, डैश डैश तो आप यू की वैल्यू जो है वो 25 लगा दो और वी की वैल्यू जो दी होगी वो लगा दो इस क्वेश्चन में वन मीटर दिया है मीटर में हमें आंसर निकालना नहीं होता क्योंकि यहाँ डी लिखा हुआ है तो डी लिखते हैं तो सेंटीमीटर में वैल्यू निकालते हैं आंसर वैल्यू निकालते हैं तो आप लेंस का फॉर्मूला लिखो और पूरा यहाँ से पार्ट रखो द स्ट्रोंगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी अच्छा आज कई सारे बच्चे ट्रेन में भी हैं। वाराणसी से कोलकाता रे वाह क्या बात है द स्ट्रोंगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है आपकी थाई बोन जो होती है उसको सबसे मजबूत मांसपेशी के नाम से क्या लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग अच्छा सॉरी सॉरी थाई नहीं होगा इसमें आंसर भाई मांसपेशी लिखा हुआ है ये बताइए स्ट्रोंगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी द स्ट्रोंगेस्ट मसल बेस्ड ऑन द वेट इज बेस्टर आप याद रखिए कि जब आपसे देखिए अगर आपसे इस क्वेश्चन में मैंने स्ट्रोंगेस्ट नहीं पूछ के ना लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट मसल पूछा होता ना तब एक बार को हम थाई बोन लिख देते लेकिन मैंने इसमें आपको लिखा है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी तो आप याद रखिए कि ये जो है ना ये आपको जबड़े के लिए लिखना है इसमें थाई नहीं लिखे इसमें आप जबड़ा लिखे जा रहेगा आप सबको पता है ना मैसेस्टर बोलते हैं इस वाली जो बोन को या इस मसल को हम क्या बोलते हैं मैसेस्टर के नाम से जानते हैं और ये वो वाली है जब आप कुछ काट रहे होते हो पीस रहे होते हो ये वाली तो आपका डेंटाइन जो टेक्स्चर है ना वो सारा का सारा यहाँ पे आपका जबड़ा करके बोला जाता है तो मैसेस्टर वाली जो मसल है जब आप खाते हो तो आपका मुँह ये ऐसे ऐसे जो होता है ना ये आपकी ये मसल जो है वो इसमें हेल्प करती है अच्छा आपको पता है ना दांतों में जब भी हम कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तब हमारी यही वाली मसल जो है ना वो अफेक्टेड होती है कहा जाता है कि अगर हम एक फीमेल को कंपेयर करें दर्द के हिसाब से या फीमेल के बॉडी को दर्द के हिसाब से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ना बॉडी में दो ही टाइम पेन होता है या तीन टाइम लिख लेते हैं तीन टाइम आपके बॉडी को सबसे ज्यादा पेन होगा जिसमें सबसे मुश्किल पेन है वह ना वोमेन डिलीवर्स द बेबी तो जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है ना उस टाइम का जो दर्द होता है ना वो वो इतना होता है कि उसको फील करना भी बस में नहीं है द फीमेल एनली ओनली कैन एक्चुअली बियर्स दैट पेन वो दर्द बराबर होता है जब आपके शरीर की 206 की 206 हड्डियां एक साथ तोड़ी जाए वो उतना दर्द के बराबर होता है और सेम यही पेन बोला जाता है दूसरा दांत का दांत में जब दर्द होता है हो ना तो ये वही इक्व... अगर आपके दांत का दर्द एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है या आपके दांत में कभी बिना एनेस्थीसिया के किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया ना हार्ट रेट इतना तेज बढ़ जाएगा ना कि कंट्रोल ही नहीं होगा तो दांत का दर्द इज ऑलवेज इक्वेवल टू दी 206 बोन्स को जब हम तोड़ते हैं उससे थोड़ा सा कम वो तो एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है ना इसीलिए थोड़ा सा जो है ना वो आपका पता नहीं लगता है वरना इस एरिया में आपके जो भी ट्रीटमेंट होते हैं मोलर के तभी तो कहते हैं अक्कल दाढ़ जब उगती है ना तो बहुत ज्यादा दर्द करती है मोलर टीथ है ना चलिए एन अंडर वाटर स्विमर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इवन इन एब्सल्यूटली क्लियर वाटर बिकॉज ऑफ बताइए एक पानी के नीचे जो तैराक होगा ना वो बिल्कुल साफ पानी में भी बहुत साफ या स्पष्ट जो है वो नहीं देख पाता क्योंकि अब आप समझ गए रूट कैनाल का क्या चल रहा है यहाँ पे है ना रूट कैनाल जब होती है और मेरे ऊपर तो भी ढंग से काम नहीं करा तो कितना दिक्कत हो रहा है हाँ यूट्रस की जो वॉल होती है ना उसके आ, उसके आसपास होता है इसीलिए मैंने कोरिलेट किया मेरे टीथ से तो कितना मुश्किल होता है देखो मेरे दांत के लेफ्ट और राइट और लेफ्ट दोनों तरफ राइट में भी एक दांत लेफ्ट में भी एक दांत ठीक है दोनों में तीन तीन सिटिंग होनी है एक ही सिटिंग में मेरी हालत जो है वो खराब हो गई एक ही दांत की एक ही सिटिंग में मेरी हालत खराब हो गई मतलब तो डेंटिस्ट भी मेरे को छोड़ दी भाई जाओ तुम्हारे जितना दर्द ना किसी को नहीं होता है तो प्लीज करके ना अब आप दोबारा से डेट लो है ना चलिए बताइए कोई भी पानी में के अंदर अगर कोई तैराक है तो वो पानी साफ पानी के अंदर भी एकदम साफ नहीं देख पाता क्योंकि लेंस की जो फोकल लंबाई होती है उसमें चेंज हो जाता है तो जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पीछे की तरफ बनती है आप याद रखिएगा फोकस बिहाइंड दी आई ठीक है फोकस बिहाइंड आई इसीलिए हमको ना मास्क लगाना पड़ता है जिससे हमारा जो अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप पानी के अंदर हो तो आपकी जो फोकस है वो कहा पड़ेगी रेटिना के आगे या रेटिना रेटिना के के पीछे तो के पीछे तो फोकस बिहाइंड आई करके याद रखना है चलिए लास्ट क्वेश्चन बता दिए ए आर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रिमोट बिकॉज इन इट्स प्रेजेंस ये बताइए एक विद्युत बल्ब से वायु को हटा दिया जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति में तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना उसमें कभी भी हम हवा नहीं भरके रखते हैं हम क्या भरते है? तो हैं या तो नाइट्रोजन भरते हैं या आर्गन भरते हैं नाइट्रोजन या आर्गन तो बताइए जरा क्यों भरते हैं द फिलामेंट वुड कंबाइंड विद नाइट्रोजन ऑफ द एयर अरे ऐसे कैसे ये थोड़ा सा ना इसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और फिर आंसर करो एयर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रिमूव्ड फर्क पड़ेगा अच्छा एयर में नाइट्रोजन का ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन ना आसान क्वेश्चन कराया मैंने आज आपको लेकिन बस थोड़े से ऑप्शन ट्रिकी दे दिए उसी में आप फैल जाते हो बिल्कुल कहते हैं ना भिदक जाते हो बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये देखो आप नाइट्रोजन आंसर नहीं कर सकते हो ठीक है क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं तो आप नाइट्रोजन की आंसर नहीं करिए और वैसे भी नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है नाइट्रोजन तो रिएक्ट होएगी ही नहीं, uh, नहीं कंबाइन करेगा आप याद रखो ऑक्सीजन वुड द फिलामेंट बाय कंबशन तो जो टंगस्टन का धातु टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट या तंतु बना होता है अगर आपने बल्ब के अंदर हवा मिला दिया तो हवा का जो ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है वो करेगा और वो फिलामेंट को वहीं के वहीं जो है वो खराब कर देगा या तोड़ देगा या वो रिएक्शन कर देगा नाइट्रोजन तो हम उल्ट्रा डालते हैं ना तो नाइट्रोजन डी आंसर नहीं करना है आपको हमेशा बी आंसर करना है ऑक्सीजन वुड वर्न द फिलामेंट कंबशन तो ये वाली क्लास में आपकी कोई भी रुकावट नहीं आएगी 6 पी की क्लास और 7:30 की क्लास आपकी एज इट इज ही चलेगी और करंट अफेयर और जी के दोनों सेक्शन होंगे अभी करंट अफेयर्स जो है वो हम कर रहे हैं मैं आपको करंट अफेयर्स का छोटा सेक्शन और फिर उसके बाद जीके का सेक्शन वो होगा आपका पूरा एक साथ ही लेकिन दो पार्ट्स में होगा ताकि वीडियो जो है वो एक घंटे की ऊपर की ना हो वन आवर के वीडियो ऊपर होती है तो दिक्कत होती है बच्चों को डाउनलोड करने में उसको पढ़ने में जो लोग बच्चे बाद में देखते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है या तो अनलाइस एंड क्लास फिर सीधा ही दो तीन घंटे की हो या फिर एक घंटे की कम की हो तो आपकी सुबह जो क्लासेस होती थी ना साढ़े जो मैं सात बजे लेती थी उसी को आपके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ मतलब पहले करंट अफेयर्स और फिर जीके तो बैक टू बैक ही होगा उसके लिए ऐसा नहीं है कि दो थोड़ी देर बाद साढ़े सात बजे से लेके आठ बजे तक मैं आपका करंट अफेयर्स करा दूंगी और आठ बजे से लेकर साढ़े आठ बजे तक मैं आपका जीके वाला सेक्शन करा दूंगी आइडियली वो है आपका बैक टू बैक ही लेकिन बस बीच में ब्रेक देके ताकि जो पूरी क्लास है वो वन आवर के ऊपर ना जाए ठीक है आप लोग टेंशन नहीं करिए इस चीज़ को लेके कि जीके नहीं हो रहा है या सब कुछ जीके बिल्कुल होगा करंट अफेयर्स 2020 थाउजेंड कल से ही मैं आपको शुरू कर रही हूँ एज आई प्रॉमिड यू कि संडे संडे मैं आपको करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के मिक्स करके कराया करूंगी तो आप लोग की वो भी टेंशन कल से खत्म हो जाएगी कल 11 बजे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेशन करा रही हूँ जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा एन टी पी सी सी बी टी टू के लिए लेकिन वो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं करंट अफेयर्स भी उसमें ऐड कर रही हूँ करंट अफेयर्स प्लस जीके दोनों होगा जीके शाम को आपका सिक्स पी एम और उसके बाद जो है ना थ्योरी वाली क्लास वो भी आपका सारा कुछ होगा ठीक है आप टेंशन नहीं लो साइंस फिर भी आपकी सब कुछ ठीक हो जाएगा जीके पूरी मैं आपको कवर करा दूंगी जीके के लिए बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो आपकी ग्रुप डी का ना साइंस बचेगा ना जीके बचेगा मैं सब कुछ करा दूंगी ठीक है और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपको पीडीएफ है जैसे अभी जो मैंने आपको कराया है ना उसकी पीडीएफ आपको ओ टी अड्डा ऐप पे मिल जाएगी तो आप सब लोग जो है ना वो ऐप को यूज़ करो पीडीएफ और क्वेश्चन के लिए और टेलीग्राम जो है उसको नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके लिए यूज करो आप सी एच एस एल एन टी पी सी ग्रुप डी और एम टी एस के टेस्ट जो है वो आप ऐप पे दे सकते हो तो कमाल की चीज़ है ना एक महीना भी नहीं हुआ ना अपनी क्लासेस शुरू हुए आ, हमने 12-14 से ही शुरू की थी लेकिन इस एक महीने के अंदर आपके पास सी एच एस एल एम टी एस एन टी पी सी सी बी टी टू और ग्रुप डी इन चार भारत के बड़े टेस्ट का जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी ऐप आप पे अपलोड हो चुकी है और अभी आपका एक लाइव टेस्ट चल रहा है जो आज सुबह दस बजे से शुरू हुआ था कल सुबह दस ए एम पे जो है वो खत्म हो जाएगा तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए सत मई का जो ये टेस्ट चल रहा है सेवन टू एट मई के बीच में कल दस बजे खत्म होगा उससे पहले जाके ऐप पे टेस्ट दे दीजिए फिर मैं आपको कल 10 बजे के बाद मैं 11 बजे क्लास ही इसीलिए ले रही हूँ कि 11 बजे जो है ना वो आप मेरे साथ रिजल्ट जो है ना वो भी डिस्कस करोगे तो लेट्स सी कल वापिस से कौन आता है नंबर वन पे अब ये देखो आप ऐसा मत सोचना कि हमें वन नंबर पे आने का फायदा क्या है आप चीजें समझोगे दूसरा चीज जो भी बच्चे कंटिन्यूअसली वन टू टेन रैंक में आएंगे मैं स्पेशल जो है वो ध्यान रखूंगी इस चीज़ का एंड मे बी आप लोगों के लिए फिर सरप्राइज हो बाद में हो सकता है ना कोई सरप्राइज भी हो जो वन टू टेन नंबर में बच्चे कंटिन्यूसली आएंगे हर टेस्ट देखिए चार टेस्ट में लगातार जो वन टू टेन रैंक में आएगा वन टू टेन में जो बच्चा लगातार चार टेस्ट में आएगा उसके लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ होगा बस इतना सा ठीक है ना चलिए अभी के लिए गए थैंक यू सो मच मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह ग्यारह बजे जीके के एक मॉडल टेस्ट पेपर के साथ टिल देन जो है वो मैं आपके इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट कर रही हूँ ताकि मंडे से आपकी क्लासेस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो या ऐसा ना हो कन्फ्यूजन की क्लास होगी या नहीं होगी ऐसी वाली सिचुएशन मैं आपकी क्रिएट नहीं होने दूंगी हो, ठीक है चलिए अभी के लिए गए थैंक यू सो मच कभी कभी बच्चे कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है सुनने के लिए और अच्छा लगा कुछ बोला तो मुझे लगा नहीं समझ आ गया है ना चलिए अभी के लिए गाइज थैंक यू सो मच लेट्स मीट टूमो एट इलेवन ए एम जहाँ पे मैं आपको जीके का मॉडल टेस्ट पेपर कराऊंगी